चीफ पैटन के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधान विकास सिंगला बोले, उनके निधन से सोसाइटी व समाज को पहुंची क्षति। क्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी अंबाला के वरिष्ठ सदस्य व चीफ पैटन स्वर्गीय यशपाल दास जी मेट्रो मोटर्स के आकस्मिक निधन पर सोसाइटी के पदाधिकारियों की ओर से अपनी संवेदनाएं प्रकट की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला की देखरेख में पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। प्रधान विकास सिंगला ने उनके निधन को समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया और कहा कि वह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचा करते थे। प्रधान विकास सिंगला ने बताया कि पिछले कुछ समय पूर्व ही उन्हें सोसाइटी का चीफ पैटर्न बनाया गया था। उनके जाने से सोसाइटी को भी उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ सदस्य व चीफ पैटर्न श्री यशपाल दास जी, जिन्होंने समाज के लिए विभिन्न कार्य किए, चाहे वह किसी जरूरतमंद की सहायता हो या फिर समाज के लिए किसी भी तरह का कार्य हो, तो वह पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जिस समय तबाही हुई उस दौरान उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए वहाँ कई स्कूलों का निर्माण करवाया था कि वहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस दौरान जनरल सेक्रेटरी सचिन गर्ग, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विनोद जौहर, वाइस प्रेसिडेंट हरीश कपूर व साजन गुप्ता, एग्जीक्यूटिव सदस्यों में विनय गुप्ता, विशाल चलाना व राकेश कुमार तथा पुनीत सिंगला उपस्थित रहे। आज ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी अम्बाला के चीफ पैटर्न श्री वाई पी दास जी का कल अकस्मात निधन हो गया था, तो उसके लिए आज एक यहाँ पर हमने 2 मिनट का मौन रखा है सोसाइटी के सभी सदस्यों ने। तो दास साहब का एक बहुत ही समाज के लिए कार्य करे हैं उन्होंने, तो एक उनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर आई हुई आपदा हो, उन्होंने वहाँ पर स्कूल बनवाए कि जहाँ पर 2-2 घंटे उन्होंने खुद पैदल जा चल कर वहाँ पर उस जगह पे जाके और स्कूल के लिए इंतजाम करे और गरीब बच्चों को पढ़ाया। रोटरी के अंदर उनकी सेवाएँ का कोई भी कहीं मुकाबला नहीं है। अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन समाज के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, और उन्होंने इस काम को बड़ी सहजता से करा। और वो मेरे लिए भी और मेरी संस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। आज हम बहुत ही एक दुख के अंदर हैं और हमारी संस्था को और अम्बाला की जनता को भी एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, और यह कमी शायद पूरी ना हो सके, लेकिन हम उनके बताए गए रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ पूरी संस्था और हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।